आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कैसे आप OTG को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने OnePlus Nord CE 4 Lite 5G में। अगर आपको OTG कनेक्ट करनी है तो इस वीडियो को फुल देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। और 100% कोई सा भी डिवाइस कनेक्ट कीजिए, आपको 100% कनेक्ट होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और लीजिए तो अपने फोन डिस्प्ले तो OTG को मैं लैपटॉप आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। एक मेरे पास पिन ड्राइव है, इसके जगह आप कोई डिवाइस को भी यूज कर सकते हैं, 100% वर्क करेगा। फिलहाल मैं आपको पिन ड्राइव यूज करके आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली क्या करना हो, कैसे आपको यूज करनी है, तो सिंपली क्या करना, सबसे पहले फोन में आ जाएंगे और आने के बाद यहाँ पे सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक किया तो नीचे स्क्रॉल क्या आएगा, तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है एडिशनल सेटिंग्स करके। एडिशनल सेटिंग्स पे सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिले, तो नीचे आएगा तो यहाँ पे OTG कनेक्शन आपको दिख रहा हो, तो OTG कनेक्शन को क्या करना है, इनेबल कर देंगे। अब यहाँ पे इनेबल करने के बाद इसे ऑफ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक है, 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा। तो ऑन करने के बाद क्या करना, अब यहाँ पे OTG को लगा देनी होगी अपने टाइप सी पोर्ट में, जो कि चार्जिंग पोर्ट है, उसमें आपको फिट कर देनी होगी। फिट करने के बाद इसमें आपको जो भी डिवाइस कनेक्ट करनी है अपनी कनेक्ट कर लीजिएगा। मेरे पास पिन ड्राइव है तो मैं पिन ड्राइव को यूज़ कर लेता हूँ, देख लीजिए। यूज़ करने के बाद यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली उसके लिए क्या करना, जैसे मैं पिन ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ तो फाइल में आता हूँ। फाइल पे आने के बाद चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो पासवर्ड दे दीजिएगा। देने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, आपको नीचे ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे का, यहाँ पे देखिए मास्टर स्टोरेज का एक ऑप्शन आपको देगा। जैसे मैं फिट किया मास्टर स्टोरेज, जैसे मैं इसे निकालता हूँ, देख लीजिए इसे मैं निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद देख लीजिए कहीं भी आपको यहाँ पे जो भी मैं यूज़ किया हूँ, देखिए इस तरह का दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दो देखने के लिए मिले। तो सिंपली क्या करना, फिर से मैं यहाँ पे फिट करके दिखाता हूँ। और जैसे मैं फिट करूँगा यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको हो जाएगा, देख सकते हैं एक और ऑप्शन आपको आ जाएगा मास्टर स्टोरेज करके, देख लीजिए तीन ऑप्शन आ गया। तो इस तरह यहाँ पे आप OTG को कनेक्ट कर सकते हैं अपने OnePlus Nord 4 Lite 5G में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए।